पेन डिसऑर्डर, दर्द की बीमारी, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त अग्नि महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, खुद आते हैं और अपना इलाज कर लेते हैं। काफ़ी लोग फ़ोन के ऊपर पूछते रहते हैं कि पेन डिसऑर्डर है, मतलब उनको तकलीफ क्या होती है कि उनको काफ़ी सारा दर्द रहता है बदन में, बदन के अलग अलग हिस्से में दर्द रहता है, बहुत दर्द होता है उनको, और सब तरह की जांच करने के बावजूद भी दर्द का कारण बदन में कुछ भी नहीं है, ऐसा डॉक्टर बोलते रहे। मतलब उसका क्राइटेरिया जो है कि भाई कौन से कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इसको पेन डिसऑर्डर है, कि जो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल पेन डिसऑर्डर के नंबर एक, नंबर एक क्या है कि बदन के एक से अधिक हिस्सों में दर्द होना और वो दर्द इतना ज़्यादा है कि उसका इलाज करने की ज़रूरत महसूस होना। नंबर दो, दर्द की वजह से समाज में घूमना फिरना या कामकाज करना या जीवन के अलग अलग हिस्सों में काम करना या लोगों के साथ में मिलजुल के काम करना, इसमें बाधाएं आती है और वो काम नहीं कर सकता। सोशल फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ, उसमें ये पेन से बाधाएं आती। नंबर तीन, दर्द की शुरुआत, दर्द की तीव्रता, दर्द का बढ़ना, दर्द शुरू रहना, ये सबके लिए मानसिक कुछ तो भी कारण हो जाता है और उसके वजह से ये होते रहते, कुछ तो भी मानसिक झटका बैठता है और उसके वजह से ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो दर्द की तीव्रता है, दर्द शुरू रहना है, दर्द का कम ज़्यादा होना है या दर्द का बढ़ना है, उसके लिए कुछ ना कुछ मानसिक कारण रहता। और नंबर चार, दर्द जानबूझकर पैदा नहीं किया जाता या उसका नाटक नहीं कोई कर रहा, उसको सचमुच ज़्यादा, मतलब सचमुच उसको दर्द रहता, ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहा है। लोग क्या बोलते हैं कि इसको कुछ तो निकल नहीं रहा है, बदन में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब तो अपने जांच पड़ताल किया, कुछ बीमारी तो नहीं, नाटक कर रहा है। तो वो नाटक नहीं करते रहता, सच्ची उसको तकलीफ होती रहती, सच्ची दर्द है और वो जानबूझकर ऐसा उसको पैदा भी नहीं करता। तो ये चार है। और पांचवा जो है कि मूड है, फिर एंजाइटी है या अदर कोई साइकेट्रिक इलनेस, मानसिक बीमारी की वजह से यह दर्द नहीं होना चाहिए। कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, कुछ भी, कोई भी हिस्से में, और तभी भी दर्द हो रहा है उसको, तो ये पेन डिसऑर्डर बोलते हैं। छः महीने से यदि कम है तो उसको बोलते हैं तीव्र स्वरूप का पेन डिसऑर्डर, और छः महीने से ज़्यादा यदि पेन डिसऑर्डर है, मतलब बीमारी है, तो वो कम तीव्र या पुराना स्वरूप का पेन डिसऑर्डर है। अब इसका इलाज क्या है? इसमें क्या है कि एक तो पेन किलर देना नहीं चाहिए, क्योंकि पेन किलर दिया थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है मगर उसकी आदत लग जाती है, सो पेन किलर नहीं होना। फिर एंग्जाइटी कम करने वाली दवाइयाँ या नींद की दवाई देने का नहीं, क्योंकि उसकी आदत लग जाएगी। उसको मेनली उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि कारण क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, सोर्स क्या है और ये मेंटेन क्यों हो रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये पेन डिसऑर्डर कंटिन्यू रखने में, क्या फ़ायदा हो रहा है उसको कि भाई इसकी वजह से ये पेन डिसऑर्डर कंटिन्यू हो रहा है, तो वो देखना, जानना, काउंसिलिंग करना, फिर सम्मोहन की अवस्था में सजेशंस देना, यदि करते हैं तो पेन डिसऑर्डर अच्छा होने में मदद हो जाती है। सेल्फ हिप्नोसिस हम करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते भी, मेडिटेशन बताते हैं और काउंसिलिंग करके, और फिर उसके साथ में ऐसा लगा कि डिप्रेशन है तो फिर एंटी डिप्रेशन दवाई देना, जिससे कि पेन डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। तो ये जब कुछ भी मिल नहीं रहा है तो ऐसे कोई आपके संपर्क में लोग होंगे, उनको जरूर बोलो कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो। साइकेट्रिस्ट के पास में जाना मतलब कोई पागल हुआ ऐसा नहीं है, बाकी भी बीमारियां होती है जिसके लिए साइकेट्रिस्ट का इलाज जरूरी होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।